प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुषों के जरिए हमें प्रभु कौन है, उनसे हमें क्या मिलता है, उनके जरिए क्या क्या हमारी जिंदगी में होता है, इसकी हम जानकारी पाते हैं। प्रभु को किसी ने इन आँखों से देखा नहीं, इन कानों से सुना नहीं, तो महापुरुष हमें प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको समझाते हैं, क्योंकि वो खुद प्रभु से एकमेक थे। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें जो जिंदगी में अनुभव होते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान, खासकर आजकल के समय में जब साइंस का बहुत बोलबाला है, जब इंडिविजुअल एक्सीलेंस की ओर ध्यान है, जब इंसान सोचता है कि शायद मैं मेहनत करता हूँ, इस करके मुझे फल मिलता है, और इस किस्म के ख्यालात इंसान के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि इस धरती पर जो होता है वो कैसे होता है, कि हमारे करके ही हमारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, कि कोई और हायर पावर है। और बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि कीता लोड़े सो प्रभु होए, कि इस धरती पर वो होता है जो पिता परमेश्वर चाहते हैं, कि उनकी रजा में, उनके भाने में सारी सृष्टि चलती है। प्रभु ने चाहा कि हम एक से अनेक हों, तो सृष्टि रची गई, कई खंड मंडल बने। प्रभु ने अपने अंशों को, परमात्मा का अंश आत्मा, इन मंडलों में बसने के लिए भेज दिया, और हर एक रूह का हिसाब किताब जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का विधान, और हमारे साथ जो जो भी होता है वो सब प्रभु की नज़रों के सामने है। हम ना सोचें कि इतने इंसान जी रहे हैं, अभी ना सोचें कि कितने जानवर हैं, ना सोचें कितने परिंदे हैं, कितने कीड़ियाँ मकोड़े हैं, और हर एक में कितनी आत्माएं हैं, कि इन सब का ख्याल कैसे होता होगा। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि प्रभु हम सब के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने हमें बनाया, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, वो सब प्रभु की नज़रों के सामने ही है। और हम ये ना समझें कि हमारे करके कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ये प्रभु की देन है। और जब ऐसा नज़रिया इंसान का होगा, तभी वो कुछ पाने के लायक होगा। कि प्रभु ने सृष्टि रची, इसको चलाने वाले भी पिता परमेश्वर हैं, और हर एक चीज़ जो यहाँ होती है उनकी रजा से, उनकी मर्ज़ी से होती है। सर नामदेव जी महाराज ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया, फरमाते कि मेरा किया कछु ना होर, कि मैं जो करने की कोशिश करूँ, ये मत समझो कि मेरे करके कुछ होता है, कि मेरा किया कछु ना होर, करे है राम होए है सोए, कि करने वाला पिता परमेश्वर है, जो वो चाहता है वही होता है, मेरे करके कुछ
होता नहीं कि अगर इंसान सोचे कि वो उसके करके कुछ हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, तो वो उसकी सबसे पहली गलतफहमी है। हमें जाने कि प्रभु हमसे बड़े खुश हैं, तभी उन्होंने हमें ये मानव चोला दिया, तभी एक मौका दिया पिता परमेश्वर को जानने का, पहचानने का। ये तो प्रभु की रजा है कि हमें मानव चोला मिला, ये हमारे करके तो नहीं मिला। उन्होंने हमें ये चोला दिया है, एक मौका दिया है हमें उनसे मिलने का। क्यों मौका दिया? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनसे मिलें, वो चाहते हैं हम उनके अंग संग हों, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उनकी नज़दीकी पाएं। अगर हम सोचे कि हमने बहुत कुछ किया इस करके मानव चोला मिला है, तो ये हमारी गलतफहमी है। ये पिता परमेश्वर की रजा थी कि उन्होंने खुश होकर हमें ये चोला दिया, एक मौका दिया जिसमें कि हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं, उनमें एक में घुस सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज शब्द के ज़रिए ये क्लियर कर रहे हैं कि सब कुछ पिता परमेश्वर की रजा में होता है, और आगे फरमा रहे हैं कि तुझ बिन दूजा ना ही कोई, कि आपके बगैर और कोई इस दुनिया में है नहीं जो हमारा ख्याल कर सकता है, जो हमारी मदद कर सकता है, जो हमारा रखवाला हो सकता है, जिसे हमसे हमदर्दी हो, जो हमारे लिए बेहतरी चाहे, जो चाहे कि हमारे लिए चीज़ें अच्छी हों इस दुनिया में। तो सब लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम असलियत की जानकारी पाएं, वो चाहते हैं कि हम शरीर से उठकर जो अंदरूनी मंडल हैं, जो रूहानी मंडल हैं, जो आध्यात्मिक मंडल हैं, उनका अनुभव करें। वो जानते हैं कि जब उन अंदरूनी मंडलों का अनुभव करेंगे तो हमारे अंदर एक कशिश अपने मकसद को पूरा करने की होगी, और लगन पिता परमेश्वर को पाने की हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाएगी, और उसमें उनकी मदद के सवाए और कोई हमें मदद कर नहीं सकता। कि तुझ बिन दूजा ना ही कोई, कि उनके मुकाबले का दुनिया में और कोई है नहीं। और आगे फरमा रहे हैं कि जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, तरह कि हम इंसानों का काम पूरा कैसे होगा, हमने काम करना क्या? अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, तो काम हमारा पूरा कैसे होगा? जब पिता परमेश्वर की ध्यादृष्टि हम पर होगी, और इंसान, क्योंकि पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि प्रभु को पाने के लिए हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाते थे। जब वहाँ जाते थे तो हमें किसी न किसी सेवा में लगा दिया जाता था, ताकि हम उस एटमॉस्फेयर में रहें, उसको जानें, उसका अनुभव करें, और सेवा भाव हमारे अंदर जागृत हो, कि हम जाने कि जितने भी भाई बहन हैं वो हमारे अपने ही हैं,
और ज़िंदगी हम ऐसी जिएं जिसमें औरों के मददगार हों। तो उस एस्पेक्ट को लेते हुए गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो जन सेवे तिस पूरन काज के, जो सेवा करने में लगता है, किसी का मददगार होता है, उसी के कार्य पूरे होते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, ये नहीं सोचते कि इसमें मेरा फायदा होगा कि नहीं, ये नहीं सोचते कि मैं मदद कर रहा हूँ तो मुझे वो इंसान मदद करेगा वापस, तब जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं, ध्यान आसानी से टिकता है और अंदर के मंडलों में हम उड़ान कर पाते हैं। तो उस एस्पेक्ट को यहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि पूर्ण काज उसके होंगे जो सेवा में लगा होगा। कार्य करना क्या है? अपने आप को जानना है। अपने आप को जानने का मतलब कि ये जानना है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम आत्मा है। वो कैसे होगा? जब हम अभ्यास में बैठेंगे, और जब सेवा करके अभ्यास में बैठते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उस सेवा का फल हमें बहुत शीघ्र मिलता है, ध्यान बहुत आसानी से टिकता है। और जैसे अपने आप को आत्मिक अवस्था में पाते हैं, ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो फिर उस आत्मा में एक लगन लग जाती है पिता परमेश्वर को पाने की। और वही हमारा कार्य है कि हम प्रभु से एक में खो सकें और 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो। तो वो काम यहाँ गुरु साहब समझा रहे हैं कि हमारा पूरा होगा। सेवा एक एस्पेक्ट है जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और आगे फरमा रहे हैं कि दास अपने की राखे लाज, कि पूर्ण सदगुरु जो उनके शिष्य हैं उनकी वो लाज रखते हैं। लाज रखने का मतलब क्या है? कि वो जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं उसको वो पूरा करवा देते हैं, ताकि हम मन माया के पर्दों से घिरे ना रहें। हम सब का मन बड़ा हावी है और वो हमें असलियत से दूर कहीं लेके जाता है। वो मन नहीं चाहता हम असलियत को जाने, तो हमें वो दुनिया के कार्यों में लगा देता है। बाहर की दुनिया, माया की दुनिया, इसमें बड़ी आसानी से इंसान फंस जाता है। तो यहाँ पर गुरु साहब ये समझा रहे हैं कि एक सच्चा शिष्य, उसकी प्रोटेक्शन हर समय हर पल उनके सद्गुरु करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन से ही हम अपनी मंजिल की ओर ध्यान टिका पाएंगे और अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा पाएंगे। आगे गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि तेरी शरण पूरन दयाला, तो फरमा रहे हैं कि हे प्रभु, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आपकी शरण में मैं आ गया, और जिस शरण में आया हूँ तो मेरी रक्षा तो आप करोगे, क्योंकि आप दयालु हो, कृपालु हो। और आगे फरमा रहे हैं कि तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला, कि आपके सिवाय और कोई मेरा ध्यान कौन रख सकता है। यहाँ हमें गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे सद्गुरु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और ये भी कहा गया है कि माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा होता है, तो हज़ारों गुना ज़्यादा एक सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य के लिए होता है। और क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमें सहारा देते हैं,
हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें एक रास्ता दिखाते हैं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। संदर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया कि एक दर्शन ही मिला, औरों का गमखार हमें अपने गम में तो जमाने को परेशान देखा। कि हर एक इंसान अपने गम से गिरा कि उसके अपने कर्म हैं, लेकिन एक पूर्ण महापुरुष कर्मों से रहित हैं, इसलिए वो हमारे कर्म उठा सकते हैं, इसलिए वो हमारा ख्याल कर सकते हैं, इसलिए वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। जिसके ऊपर अपना बोझ होगा वो औरों को क्या करके दिखाएगा, लेकिन जिसके ऊपर अपना बोझ नहीं वो फिर औरों का मददगार हो सकता है। और आगे गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जलथल मयल रहे भरपूर। वो कह रहे हैं जो पिता परमेश्वर हैं वो पृथ्वी में, आकाश में, सब जगह, बीच में, हवा में, हर जगह भरपूर हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पिता परमेश्वर ना हो। और आगे फरमा रहे कि निकट वसे ना ही प्रभु दूर, कि पिता परमेश्वर हमारे बहुत नज़दीक हैं, हमसे दूर नहीं। अगर हम समझते हैं पिता परमेश्वर हमसे दूर हैं तो ये कमज़ोरी हमारी अपनी है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने भी समझाया कि पिता परमेश्वर कितने नज़दीक हैं, फरमा रहे हैं कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा, कि प्रभु हैं, बहुत करीब हैं, उन्हें हम ज़रूर मिलेंगे। करना क्या, रूह को उड़ान देनी है, वो बहुत हमारे करीब हैं, लेकिन हमें सिंसेरिटी से उन्हें पुकारना है, एक लगन से पुकारना है, दिल से पुकारना है। ये समझा रहे कि निकट बसे ना ही प्रभु दूर, के प्रभु तो हमारे भीतर बैठे हैं, उनसे तो और नज़दीक कोई हो ही नहीं सकता, हमसे दूर नहीं है, हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं, हमें सिर्फ ध्यान उनकी और करना है। और आगे फरमा रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज कि लोक पति आरे कछु न पाया। फरमा रहे हैं कि लोगों के प्रसन्न होने से कुछ इंसान को हासिल होगा नहीं। ज़्यादा चीज़ें हम ज़िंदगी में क्या करते हैं, इसको खुश कर दो, उसको खुश कर दो, इसका कहना मान लो, उसका कहना मान लो, ये कार्य कर दो, वो कार्य कर दो। तो जैसे स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि इस धरती पर कोई हमारा मित्र नहीं, कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। वो कह रहे हैं ये नगरी चोरों की है, ये नगरी ठगों की है, ये नगरी उन लोगों की है जो सही मायने में हमारे मित्र नहीं है। वो समझाया करते थे कि हमारे माता पिता, हमारे बाल बच्चे, हमारे दोस्त मित्र, हमारे भाई बहन, ये सब हमारा समय मांगते हैं। वो समय जो हमें चाहिए पिता परमेश्वर को पाने के लिए, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो ये कहे हाँ तुम पिता परमेश्वर को वहाँ मुझे टाइम मत दो। हर एक को लगता है मुझे मिलो, मुझे टाइम दो, मेरा काम करो। कह रहे सब चोर हैं, हमारे समय की चोरी कर रहे हैं, हमें खुद सावधान होना है। समय हम सबको हर रोज़ 24 घंटे मिलता है, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो समय उनको देना होगा, और अगर समय सारा का सारा दुनिया के कारों में लगा रहा, इसको खुश कर दिया, उसको खुश कर दिया, होता तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ही है। किसी को आप मिलने गए, जो उन्होंने आपको खिलाना वो खिलाएंगे, आपको अच्छा लगे ना लगे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कहेंगे जी ये बहुत स्वादी है जी, आप खाओ जी,
हमने खास बना आपके लिए, हम कार लेके आए हैं। अगर किसी को काम पड़ेगा तो आपको ज़रूर मिलेंगे, आपको फ़ोन भी करेंगे, आपके पीछे पड़े रहेंगे, और जब उनका काम हो गया तो हो सकता है साल दो साल कोई आपसे मुलाकात भी ना हो। तो लोग दुनिया के अपने मकसद के लिए, हम सबसे रिश्ता नाता रखते हैं, और हमने किससे रिश्ता नाता रखना है? अगर दुनिया के लोगों को खुश करते करते ज़िंदगी गुजर गई और अपनी मंजिल की ओर हमने कदम बढ़ाए नहीं, तो बेवकूफ़ी तो हमारी है। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि लोगों के प्रसन्न होने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमने पिता परमेश्वर को पाना है, जब तक हम ध्यान उनकी ओर नहीं देंगे, जब तक समय उनके साथ नहीं लगाएंगे, जब तक अपनी अटेंशन उनकी ओर नहीं करेंगे, जब तक उनकी जानकारी नहीं पाएंगे, जब तक उनसे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हें कैसे पा सकते हैं? और अगर समय सारा का सारा दुनिया के कामों में लग गया, दुनिया की चीज़ों में लग गया, कभी इसको खुश करो, कभी उसको खुश करो, कभी इसका काम करो, कभी उसका काम करो, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर कैसे बढ़ेंगे? तो हमें सावधान कर रहे हैं कि हम वो करें जिससे कि पिता परमेश्वर खुश होंगे, ना कि वो करें जिससे कि दुनिया के लोग खुश होंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि एवरी डेविएशन फ्रॉम गॉड इज द सिन, के वो कार्य जो हमें प्रभु से दूर लेके जाता है वो खराब ही खराब है। हम वो कार्य करें जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाते हैं। और आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाए, साच लागे ता होमे जाइए। वो कह रहे हैं कि जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा तो क्या होगा कि सच्चाई मिलेगी, और जब सच्चाई मिलेगी तो जो हुमे है, जो हमारी ईगो है कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, वो दूर होगी। हर एक इंसान सोचता है मैं इस ओहदे पर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, इस करके बाकी लोग मेरा ख्याल करें। वो कहते हैं जो हुमे है इंसान की, उसको डुबा देती है। जहाँ पे हुमे है वहाँ पिता परमेश्वर नहीं होते। कबीर साहब ने एक जगह फरमाया कि जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं। कि जहाँ पे मैं का सवाल आ गया, हुमे का सवाल आ गया, वहाँ डुअलिटी, द्वैत आ जाती है। जहाँ द्वैत आ गई वहाँ पर एकता हो ही नहीं सकती। जैसे कबीर साहब ने फरमाया कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए, कि जो प्रेम की गली है इतनी नैरो है कि दो उसमें चल नहीं सकते, जब एक हो गए तभी चलेंगे। वही यहाँ पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर सच्चाई के साथ हम जुड़ेंगे तभी जो हमारी ईगो है, जो हुमे है, वो शांत होगी, ख़त्म होगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सी बार वो लोग जो दुनिया के क्यारों में लगता है कि बड़े सक्सेसफुल हैं, जब वो महापुरुषों के पास जाते तो उनकी क्या हालत होती है? झुकते हैं वो। क्यों? उन्हें मालूम है कि वहाँ से उन्हें कुछ मिलेगा। और आगे गुरु साहब फरमाने के गुर प्रसाद नाम ते आया, कि जिसने अपनी जिंदगी सही कर ली, जिसने पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाए, जिसे गुरु ने प्रसाद दिया, बाहर का प्रसाद नहीं, अंदर के प्रसाद की बात कर रहे हैं, तो तभी वो नाम को ध्याने के लायक, जैसे सिमरन कहा जाता है, सिमरन करने के लायक होगा। और जब इंसान सिमरन करता है, वो प्रभु के नाम का जाप है, तो उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है और वो अंदर के मंडलों में जाने के लायक हो जाता है।
और जब जब सिमरन करता है तब तक उसका ध्यान टिका रहता है असलियत की ओर। तो वही समझा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर होती है और वो हमारी अंदरूनी आँख खोल देते हैं, तो एक प्रसाद हमें हमारे सदगुरु दे देते हैं जिसके ज़रिए हम सिमरन करने के लायक हो जाते हैं, ध्यान टिकाने के लायक हो जाते हैं और अंदर का जो रास्ता उस पर जाना शुरू कर देते हैं। आगे फरमा रहे हैं एक प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना करें कि दोई कर जोड़ करो अरदास। हम सबको कह रहे हैं कि हम दोनों हाथ जोड़ के अरदास करें, प्रार्थना करें दोनों हाथ जोड़ के। जब हाथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, जो अंगूठे हैं ये दिल के पास होते हैं, कि प्यार से अरदास करें, ये आत्मा की पुकार है कि हे प्रभु कि तुझ भावे ता आने रास, कि जो आपको भा रहा है वो ही मेरी जिंदगी में हो। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूं। हम इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझ पाते हैं लेकिन हमारी समझ का दायरा लिमिटेड है। जितना मर्जी हम पढ़ लिखे हैं चाहे पीएचडी कर लें लेकिन हमें कुछ चीज़ का ज़्यादा समझ होगी लेकिन हर एक चीज़ की समझ नहीं है। आपने फिजिक्स में पीएचडी करी तो शायद आपको फिजिक्स के बारे में मालूम है, पर हो सकता है हिस्ट्री ज्योग्राफी का कुछ मालूम ना हो। तो अगर हम अपने दायरे में अपने दिमाग से कुछ भी मांगेंगे तो गलती गलती खाएंगे, क्योंकि मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, मेरे साथ ये हो जाए, तो उसमें गलती गलती खराबी खराबी होगी। लेकिन जब हम उनकी रजा में जिएंगे कि जो प्रभु चाहते हैं वो हो, कि तुझ भावेता आने रास, के जो आपको रास आ रहा है प्रभु वो मेरी जिंदगी में ढले, जैसे तेरा भाना मीठा लागे, स्वीट इज एवर, कि हे प्रभु मेरी जिंदगी में वो हो जो आप चाह रहे हैं। और जो लोग इस अवस्था में जीते हैं वो ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादातर तो लोग कहते हैं मैं ये चाह रहा हूँ ये हो जाए, मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए, मैं चाह रहा हूँ अब हो जाए, मैं चाह रहा हूँ इस दिन ये हो जाए, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लिए ये हो जाए। यहाँ पर गुरु साहब फरमा रहे हैं कि जो ऐसा सोचता है वो सही नहीं सोच रहा, कार्य उसके पूरे होते हैं जो प्रभु की रजा में जीता है। जो पिता परमेश्वर को अच्छा लगता है वही हमारी ज़िंदगी में ढलेगा और उसकी रजा में हम खुश रहेंगे तो हम अपनी मंजिल की और तेज़ी से बढ़ेंगे। और आगे फरमा रहे हैं कि कर कृपा अपनी भक्त लाई, कि आप मेरे पे कृपा कीजिए। ये अरदास हो रही है कि एक तो आपको जो ठीक लगे वो मेरी ज़िंदगी में, दूसरा आप कृपा कीजिए कि मेरे अंदर भक्ति जागे। भक्ति क्या है? प्रभु में विश्वास, प्रभु से प्रेम, कि मैं आपसे बहुत प्रेम करूं, मैं आप में विश्वास रखूं, मेरे अंदर भक्ति भाव जागे। और जन नानक प्रभु सदा ध्याय, और हर समय मैं हे पिता परमेश्वर आपके नाम का जाप करूं, हर पल हर क्षण मेरा ध्यान आपकी और हो। ये आप कृपा कीजिए, यही मेरी आपके सामने दो हाथ जोड़ के अरदास है कि मैं आपके रजा में जीऊं और मेरे अंदर भक्ति भाव हर समय जागृत रहे, ताकि मैं सिमरन करता हुआ आपकी ओर ध्यान देता हुआ अपनी ज़िंदगी को गुजारूं। मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, ये पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि
जो अरदास यहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम सब के लिए कर रहे हैं, वो अरदास सही मैनों से हमारी रूह की गहराई से निकले, हम प्रभु की रज़ा में जिए, भक्ति भाव से जिए, ताकि जिस मकसद से हम आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेलें सीधे सामने और नीचे, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो, तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी, शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो, जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।